यूट्यूब पर आपत्तिजनक वीडियो और अश्लीलता परोसे जाने के खिलाफ आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नाम एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने यूट्यूब को तत्काल बंद किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले 1.5 साल से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई मोबाइल से कर रहे हैं। ऐसे में देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चे जैसे ही मोबाइल खोलते हैं, उन्हें वीडियो और फोटो के माध्यम से अश्लीलता देखने मिलती है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में बच्चों की मनोदशा प्रभावित होना लाजमी है। आज हिंदू महासभा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली को एक ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि जो सोशल मीडिया में YouTube में जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हमारे बच्चे इस समय कोरोना काल की महामारी के कारण सब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वो पढ़ाई करने के लिए मोबाइल चालू करते हैं और उनके स्क्रीन पे अश्लीलता भरे मैसेज, वीडियो और ऐड आ जाते हैं, जो कि तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। हमारी ये मांग है, और यदि तत्काल प्रभाव से बंद नहीं होता है तो हम राष्ट्रीय स्तर पे भी जाके उग्र आंदोलन करेंगे। नाम बताइए। प्रवीण तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, हिंदू महासभा।